मैं फ्रेंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं और जुलुम करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं, तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है, उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो, सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया, सबको खिलाफ में कोई ना कोई एजेंसी, एक चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए को भेज देता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ काम, एनआईए का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना, देश को रक्षा करना, कोई डील करना एनआईए का काम नहीं है। हम लोगों के पास भी जानकारी बहुत है, जानकारी दिन दिन में आएंगे। हम लोग डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं, कार्टीसी मेंटेन करते हैं, इसी के लिए कभी कभी हम आवाज उठाता है, लेकिन हर तरह डेवलपमेंट के बारे में हम एक साथ में काम करते हैं, इसमें हम आवाज नहीं उठाता है। लेकिन हमको कोई टकराएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, खाली हमको नहीं, अरविंद केजरीवाल का टुकराया। क्या बीजेपी का राज में केस नहीं चल रहा है? कितना बीजेपी को अरेस्ट किया? बीजेपी का राज में क्या सब सच है, सब संत है? व्यापम केस में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, नकली के बारे में, एग्जाम के बारे में, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, 50 लोगों को मर्डर कर दिया, क्या रिजल्ट निकाला? आज बंगाल के बारे में किसी का घर में एडमिट कार्ड भी मिलता है? अरे हम तो एमपी थे 7 साल, बहुत सारे आदमी ऐसे करते हैं। तब हम जब थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू मिला तो हमारे पास आते थे, आके बोलते थे दीदी एक रिक्वेस्ट करके दो ना, अगर हमारा नौकरी मिल जाए तो हम जब फॉरवर्ड करते थे मिनिस्टर को, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दिस अपील टू यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पहले तो सर्टिफिकेट भी देते थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते थे, पासपोर्ट में उसको साइन भी करना पड़ते थे, पब्लिक पर रिप्रेजेंटेटिव किया, बंगाल का खाली खड़ा है। जब सीपीएम का गवर्नमेंट था, क्या कुछ बोला? अभी तो दोस्ती करके चलता है। उनको जो गवर्नमेंट है सब संत है। हमारा गवर्नमेंट में हम कोशिश करते हैं जो अच्छा से अच्छा काम रहे। हम लोग बहुत सारे ऑफिशियल को भी खिलाफ में एक्शन लिया करप्शन का बारे में। हमारा पार्टी में भी कोई करप्शन का चार्ज आया तो हम उसको खिलाफ में एक्शन लिया, ऐसा नहीं है हम नहीं लिया। लेकिन मैं बीजेपी के कहने चाहूंगा, किसका इशारा पे हमारा लोगों को हर रोज एजेंसी तंग करता है? वो खुद एक डाकू है, जिसको इशारा पे अमित शाह चलते हैं, उनका जो चीफ एडवाइजर इधर का है, इधर में है, वो सबसे बड़ा डाकू है। अगर एडुकेशन में कोई दिक्कत हुआ तो उन्होंने पहले किया। ये सब जुडिशियल है, इसी के लिए मैं ज्यादा इसमें बात टिप्पणी नहीं कटेंगे। जो कहा है, जो वो मैंने कहा है। तो यूपी में इंसिडेंट हुआ, कितना गया सेंट्रल टीम्स? एमपी में हुआ, कितना गया सेंट्रल टीम्स?